और उसकी भी हमारे कोई रह गए हैं, बुजुर्ग रह गया है, कोई 60 साल से ऊपर का, कोई विडो रह गई है 40 साल से ऊपर एज की, कोई अगर हमारा मजदूर रह गए हैं, अभी भी अगर कोई रह गए आप फाइल बना के दीजिएगा, 100% कवरेज गवर्नमेंट का वो है। इसके लिए हमारे काफी अच्छी मेहनत हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पिछली बार भी की थी, जो मैं आपको बताएगा 10,000 फाइलें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुन से सेंक्शन हुई जो कि मैक्सिमम है। तो उस समय भी लेकिन कुछ कुछ हमारे कम्प्लीट करवाए जो रह गए हैं वो भी आपने जल्द से जल्द कम्प्लीट कर लेना, ठीक है, आप करवाइएगा, उनको भी जो बचे हुए हैं उनका भी हम करवा देंगे। इसके अलावा PMAY का हमारा टारगेट जो है, जो अभी भी अगर हमारे आपके कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका PMAY में अभी भी आधार सीटिंग बची हुई है, PMAY प्लस में जो हुए थे उनके आप आधार सीटिंग जल्द से जल्द करवाइएगा। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट हमारा जो मंडी ब्लॉक बिल्कुल पीछे था, फिर मैंने आपके चेयरमैन साहब से बात की, उसके बाद आपने जो है बहुत पुशअप किया, आप हमारी जो है कम्फर्टेबल स्टेज है। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग आप बोलते हो कि अगर वो जो लोग बचे हुए हैं, या तो आप बोलिए कि ये एलिजिबल नहीं है, इन्होंने गलती से इनका नाम डाला है, उनको हटवाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई जायज पहना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपका है कि और लोग भी रहते हैं जिनका उस समय सीडिंग नहीं हो पाई थी, जियो नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से पिकअप किया, जैसे हमें अप्रूवल मिलता है उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमें ऑलरेडी आए हुए हैं उनको आपने उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे ना, तब तक नहीं तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल के सबके काम स्टार्ट करवाओ, तो आपने वो अपने एरिया में लोगों को बात बता दी है, जल्द से जल्द काम स्टार्ट करवाने हैं। इसके अलावा नरेगा का पेमेंट जो है ये आपकी जिम्मेदारी है, कुटी नर्सिंग का पेमेंट अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है, तो उसमें आपने जो है अपनी पेमेंट एक्सपीडाइट करनी है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान का सबसे पीछे है टाइमली पेमेंट में, तो हमारे यहाँ 10% काम की टाइमली पेमेंट होती है। डीएमओ साहब हर 4 दिन के बाद आपका एक ऑर्डर आता है, फिर कहीं मुझे फोन आते हैं, कहीं मैं डीएमओ साहब को मजबूर करता हूँ, एक दिन मेरी बहस भी होती है, जब सीएमओ साहब ने अगर ऑर्डर किया आप नहीं करो, ये कह इनका यही होना होता है क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो मेहरबानी करके 4 लोग पहली फुर्सत में आप जो है हमें भेजें वापस। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं कहता हूँ लोग आगे जाते हैं, मैं तो कहता हूँ यार हार्ट की किडनी का है ऑपरेशन होना चाहिए, अगर 20 साल पहले हम गाल बैठक का करते थे, छोटी मोटी सिस्ट वगैरह रिमूव करते थे, तो आज इतनी तरक्की हम कर चुके हैं, इसमें आप बड़ी मेहरबानी करें सर। दूसरी बात, जैसा जनाब ने खुद भी झड़ी मोटी का दूर किया और आपके ही इंस्ट्रक्शन पर सी हो उस मेरे साथ गए थे नेड़िया रंगाबाद और ये सही हो गया, तो सर मेरी इसमें गुजारिश है हमारा जो ये इलाका है ये कुदरती जो खूबसूरती है उससे मारा मार है, और किसी भी सूरत में ये गुलमर्ग टांग मर्ग या पहलगाम से कम नहीं। सर यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे, और जो उस वक्त के सीओ टूरिज्म थे एडिशनली सी साहब, उन्होंने कहा था कि पत्थर हम रिमूव नहीं करेंगे, तो पैर पैर चल के थोड़ा करेंगे, लेकिन नवीर साहब ने जब से चालीस समाधान है दिन दुगनी रात चुकी, मुझसे भी उन्होंने काफ़ी झूठ बोला, आप ये हैं नूरपुर आप ये हैं डोडा भी आप लोग आप इसके लास्ट पार, उसके अलावा जबी धोती का आपने बुरा किया, मुगल ये मुगल गार्डन है सर, यहाँ आप कहते हैं कि कोई प्राणी हो मुगल सल्तनत की कोई मर का वो यहाँ ना कहते मुगल डा, तो आप सबको भी पता होना चाहिए। दिनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हमारे जो सरपंच जो है उनके साथ, इस हमारे सरपंच के साथ और हमारे BDC चेयरपर्सन से उनके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उसी के कड़ी में हमारे आज मंडी में ये मीटिंग हुई जिसमें हमारे मंडी के सारे सरपंच साहिबान वो भी मौजूद थे और हमारे जो BDC चेयरपर्सन है मंडी ब्लॉक के वो भी मौजूद थे, और उन्होंने हमारे अपने यहाँ पर इशू रखे जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं या दूसरे जो भी इशूज़ हैं उन्होंने यहाँ पर अपने रखे, जिसमें हमारा यहाँ पर रोड के इश्यूज़, पानी का या फिर हमारे टूरिज्म पोटेंशियल जो हमारे मंडी ब्लॉक का है इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आगे वाले दिनों में इसको और भी बेहतर किया जा सके। इसके अलावा हमारा जो KCC की मुहिम है उसके बारे में भी लोगों को इतला दी गई, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को जिन लोगों का बीच में हमारा लेबर कार्ड जिनका रिन्यूअल नहीं हो पाया था उसके बारे में भी लोगों को बताया कि वो अपना हमारे सरपंच हजरात को बताया गया कि वो अपने गांव में लोगों को इस तरह करें कि अगर किसी का रिन्यूअल पेंडिंग है तो वो उसको रिन्यूअल करा सकता है, गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है। इसके अलावा जो पेंशन के बारे में भी जो गवर्नमेंट ने नए टारगेट दिए हैं उसके बारे में भी लोगों को इतला दी गई। तो एक ये कोशिश है कि बेहतर तरीके से हमारे जो PRIs हैं उनकी बात को भी सुना जा सके और जो हमारे जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो और ज़्यादा हो सके। इसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पर मीटिंग थी और आने वाले दिनों में
मैंने नेक्स्ट वीक में हमारे जो है लोरन ब्लॉक की भी मीटिंग है नेक्स्ट मंडे को, सो उसमें भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जाके मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ताकि एक बेहतर जो हमारा डेवलपमेंट का माहौल है वो डिस्ट्रिक्ट कुंज में बन सके।